Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीएनजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं कैनन का एसेंस यमजेड 211 मॉडल का प्रिंटर है। इसमें इधर दिखा रहा है कि दोस्तों यहां पर पेपर नहीं खींच रहा है और नो पेपर दिखा रहा है, ठीक है। बिल्कुल प्रिंटर रेडी होता है, लेकिन जब आप कमांड करोगे तो यहाँ पर एरर दिखाता है कि नो पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर पिकअप ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपका कमेंट्स है मैं उसको भी रिप्लाई करूँगा, और जितने भी आपका प्रॉब्लम आएगा अपना प्रिंटर में तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना दोस्तों, वहाँ पर मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। यह रहा दोस्तों हमारा प्रिंटर कैनन का आईसेंस EMF 211 मॉडल का प्रिंटर है। यह है मल्टीफंक्शन प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑन है, यह देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यह देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रिंटर अभी बिल्कुल रेडी है। जब मैं यहाँ पर कमांड करता हूँ, ये देखिए मैं एक पेज कमांड कर दिए। कमांड करने के बाद यहाँ पर किस तरह से इधर दिखाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी तक पेपर नहीं खींचा, नहीं खींचने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है पेपर नो पेपर ड्रॉअर 1 A4 प्लेन लोड पेपर कैंसिल और रिज्यूम, इस तरह से यहाँ पर दिखा रहे थे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है नो पेपर ड्रॉअर 1 A4 प्लेन लोड पेपर कैंसिल और रिज्यूम, इस तरह से यहाँ पर एरर दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस एरर को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ये सॉल्यूशन करने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा दोस्तों पेपर पिकअप रोलर का साइड में दोस्तों, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एरर आता है यहाँ पर, ये एरर आने के लिए बाद में इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसका पेपर पिकअप रोलर को मैं देखूंगा, ठीक है। अब कर दिया, अब कर दिया यहाँ पर इसको लाइन करना, देखता हूँ सबसे पहले यहाँ पर हमारा पेपर पिकअप होगा इस साइड में, ठीक है। ये देखिए प्रिंट ऑन कर दिया। और लगा दिया मैं यहाँ पर दबा दिए और कर स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये मूव होता है, ये देखिए बिल्कुल अभी मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पेपर पिकअप नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारा ये जो सोलेट यूनिट है ये बिल्कुल अच्छी तरह से मूव रहा है, लेकिन पेपर पिकअप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मेन प्रॉब्लम क्या है मैं इसको एक बार देखता हूँ। इस साइड को मैं ये वाला कवर को मैं ओपन करूँगा,
यहाँ पे इसको बताएं, ठीक है दूसरे द्वारा। यहाँ पे लगा इसको, ये देखिए इतने के बाद इसको यहाँ पर बोला, ठीक है निकाल दिया। इतने निकालने के बाद यहाँ पर मैं निकाल रहा है इसको, ठीक है इसको निकालने के बाद यहाँ पर क्या मिला है हम देखेंगे। यहाँ ये पार्ट को मैं निकालूंगा और निकालने के बाद यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है मैं आपको दिखाऊंगा और क्यों यहाँ पर पेपर पिकअप नहीं कर रहा है आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये निकालने के लिए यहाँ पर मैं सोलिनी को भी यहाँ पर निकालता हूँ। यहाँ पर है हमारा ये पेपर सेंसर दिखे रहा है, ये देखिए पेपर सेंसर तो ट्रांसफर सेंसर भी है यहाँ पर, और इसको भी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा ये, देखिए इतने निकालने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर स्क्रू। सब यहाँ पर खोल गया, ये मैंने निकाल दिया, ये बिल्कुल हमारा, ये देखिए दिक्कत यहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए ये इसका जो बुश है ये टूटा है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल टूट रहा है, क्रैक हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पर पेपर हमारा पेपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें जिस तरह से इसमें लगा था दोस्तों ये, ठीक है इसका, और ये हिस्सा बिल्कुल हमारा डैमेज है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के वजह से यहाँ पर पेपर पिकअप नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर, और इसको किस तरह से मैं मेंटेन करता हूँ आप में बिल्कुल बने रहना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो क्रैक था ये क्रैक है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं किस तरह से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक लग है और दूसरा लग यहाँ पर है, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। ये लग निकालने के लिए यहाँ पर इस तरह से इसको कर रहे हैं, धीरे धीरे कर निकल जाएगा। इसको धीरे धीरे निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसे क्या करता हूँ, ये देखिए ये इस तरह से निकलता है, ये निकालने के बाद यहाँ पर दूसरे एड्रेस करना होगा, ठीक है। ये निकल गया और मैं नेक्स्ट यहाँ पर मेरा पार्ट्स इस पर ध्यान से, ये देखिए ये है हमारा पार्ट्स, ये वाला जो यहाँ पर ट्रैप हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ
ये लगाने के बाद उसमें मैं पीछे करूँगा इसको रिप्लेस्ट, इसको इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। उससे पहले उसमें यहाँ पर एक स्क्रीन था वो उसको हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए ये लगाया। ये लगाने के बाद उसमें यहाँ पर एक स्क्रू भी नहीं है यहाँ पर, इसी का बैलेंस नहीं होने के बाद यहाँ पर मेरे सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सिंपली इतना ही इसको रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर मैं इसको किसी यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, ये देखिए इतने होने के बाद यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको लगा लिया। ये देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी कर दिया। इतने ही करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा ये सेंसर है, दीपक का सेंसर है यहाँ पर। यहाँ पर लगा था मैं स्विमिंग को, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मुझे ये देखिए सब कुछ यहाँ पे मैं फिट कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल रेडी कर दिया हूँ। इतने होने के बाद मैं खाली कर दूँगा आपको टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए
यहाँ पर कुछ नहीं आ रही, मैं इसको लगा दिया देखिए ऐसा करता हूँ। ये देखिए इसे पर यहाँ पर मतलब कैसे था, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से यहाँ पर पेपर पिकअप नहीं कर रहा था, पेपर खींचने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन यहाँ पे पेपर नहीं खींच रहा था क्योंकि यहाँ पर इसका जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्रैक हो चुका था, इसीलिए ये रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आज लेते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल लाइव सॉल्व करके दिखा दिया, यहाँ पर क्या दिक्कत था मैं बता दिया दोस्तों, ठीक है। और कौन सा पार्ट्स मेरे देश किया आपको पता ही चल रहा है अभी, ठीक है। आज लेते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में जितने आपका कमेंट है, आपका जितने सवाल है दोस्तों कमेंट जरूर लिखना, उसका आंसर देने की कोशिश मैं जरूर करूँगा, ठीक है।